हेलो दोस्तों, तो आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि आज की हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं चैंस फिन के शतक के बारे में। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये शतक टीम की करियर का पहला शतक था, फिर चाहे वो ODI हो, T20 हो, चाहे वो टेस्ट हो, लेकिन इंटरनेशनल में ही। और दोस्तों, आज की हम लोग इस वीडियो में इनके शतक के बारे में ही चर्चा करने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में चर्चा करें कि चैंस विंस के 85 के बारे में। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जो चैंस विंस का 85 था वो एक रन के साथ पूरा हुआ था, वही इनका 85 को 45 के दबे पूरा हुआ था, वही इनके इस 85 में कुल 105 पावडी शामिल थी। इस तरह चैंस विंस ने कुल 5 चौके मारे थे, वही इन्होंने एक भी छक्का नहीं चढ़ा था। वही बात करी जाए स्ट्राइक रेट की, तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि चैंस विंस का स्ट्राइक रेट था 111.11 का, यानी बात बात इनके स्ट्राइक रेट में बनाता है। और अगर देखा जाए ये स्ट्राइक रेट कैसी है, तो मैं आपको बता दूँ कि ये स्ट्राइक रेट बहुत ज़्यादा अच्छी स्ट्राइक रेट मानी जाएगी ODI मैच में। तो ये तो बात कर ली हमने चैंस विंस के 85 के बारे में, जो कि देखने से बहुत ज़्यादा बस लग रहा था। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं चैंस विंस के शतक के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि चैंस विंस के शतक के चौके के साथ पूरा हुआ था, और एक शतक को रेटी वर्ग के तो में पूरा हुआ था। वही इनके इस शतक में कुल 11 चौके शामिल थे, वही चैंस विंस ने अपने इस शतक में एक भी छक्का नहीं चढ़ा था। लेकिन अगर वही बात करी जाए स्ट्राइक रेट की, तो मैं आपको बता दूं कि चैंस विंस का स्ट्राइक रेट था 109.89 का, जो कि अगर देखा जाए तो ये स्ट्राइक रेट भी एक बहुत ज़्यादा अच्छी स्ट्राइक रेट मानी जाएगी ODI मैच में। और अगर कोई ODI में ऐसी बैटिंग करे तो ज़्यादा मजा आएगा। पर फर्क कितना है कि चैंस विंस के इस पारी में छक्के नहीं थे, अगर कोई छक्के मारेगा इसी पारी में तब मज़ा और आएगा। तो ये तो बात कर ली अपने चैंस विंस के शतक के भी बारे में। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं चैंस विंस के पूरे टोटल स्कोर के बारे में। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि चैंस विंस का टोटल स्कोर था कुल 102 रन, जो कि बनाया था इन्होंने को 95 के दबे। और ये सब दोस्तों आपने थंबनेल में ही देख के बता भी दिया होगा, लेकिन वही बात करी जाए पाउडीज की, तो मैं आपको बता दूँ कि चैंस विंस ने कुल 11 पाउडीज मारी थी, जिस तरह चैंस विंस ने कुल 11 चौके मारे थे। वही 21 शतक के बाद तो ये रन एक्स्ट्रा है, तो इससे भी आपको पता चल गया होगा कि बाउंड्री सेव रहेगी। तो दोस्तों वही बात करी जाए स्ट्राइक रेट की, तो मैं आपको बता दूं कि चैंस विंस का स्ट्राइक रेट था 107.37 का, जो कि अगर देखा जाए तो ये स्ट्राइक रेट भी एक बहुत ज़्यादा अच्छी स्ट्राइक रेट मानी जाएगी ODI में। और दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि जब चैंस विंस ने 85 बनाया था तब उनका स्ट्राइक रेट था 110 के ऊपर, वही जब इनका शतक कम्प्लीट हुआ तब इनका स्ट्राइक रेट था 109 के आसपास, वही जब अब देख रहे हैं तो इनका स्ट्राइक रेट था 107 का, जो कि अगर देखा जाए तो दोस्तों ये पता चलेगा आपको कि जैसे इनकी बारी आगे बढ़ती गई वैसे इनकी स्ट्राइक रेट भी कम होती गई। तो ये तो बात कर लिया अपने चैंस विंस के टोटल स्कोर के बारे में। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिरकार चैंस विंस आखिरकार आउट कैसे हुए थे। तो मैं आपको बता दूं कि चैंस विंस सारी सॉफ्ट के बॉल पे आउट हो गए थे। मैं बात करी जाए कि चैंस विंस का कैच किसने पकड़ा, तो मैं आपको बता दूं कि इनका कैच पकड़ा था बाबा साहब ने। सिरोने की इस मैच में बहुत ज़्यादा अच्छी पारी खेली थी, और मैं इसकी वीडियो भी बना के डाल चुका हूँ। और दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अभी तक इन्होंने इस मैच में तो छक्का मारा ही नहीं, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी तक इन्होंने पूरे ODI इंटरनेशनल करियर में छक्का ही नहीं चढ़ा। चाहे इन्होंने 68 तक चौके चले हो, लेकिन अभी तक इन्होंने एक भी छक्का नहीं चढ़ा है, जो कि थोड़ी सी बुरी बात है। लेकिन दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये बहुत जल्दी छक्का चढ़ने वाले हैं। वही बात करनी चाहिए कि क्या एक शतक का कोई फायदा हुआ या नहीं इंग्लैंड के लिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान है इन्होंने कुल 330 रन का एक बहुत बड़ा लक्ष्य दिया था इंग्लैंड को। वही इंग्लैंड का चेस करना थोड़ा सा भारी हो गया था, क्योंकि इनके विकेट्स गिरते ही जा रहे थे, तभी चैंस विंस और
लुईस जॉर्ज जी ने अच्छी पार्टनरशिप की और इतनी बड़ी साझेदारी ले पाई और इसके साथ साथ ऐसे में इस मैच को भी जिता दिया। और दोस्तों मेरे हिसाब से ज़्यादा प्ले ऑफ द मैच की बात थी, मुझे लगता है कि ये प्ले ऑफ द मैच परे थे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, अब हम लोग मिलेंगे डायरेक्ट अगली वीडियो में।